एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम ये जैकेट बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जैकेट बनाने के लिए मैंने ये टाफेटा सिल्क फैब्रिक लिया है जो कि आधा मीटर है। उसके बाद मैंने ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, ये कॉटन का फैब्रिक है। इसे पहले मैंने वॉश करके इसके ऊपर प्रेस कर ली है। ये हमारा मेजरमेंट होगा, स्मॉल साइज़ के लिए हम ये जैकेट बनाएंगे। ब्लाउज़ की लेंथ 14 है और चेस्ट 32 इंचेस राउंड, कमर 27 इंचेस राउंड। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये टाफेटा फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। एक बार और हमें इसे मोड़ना है। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। 14 इंचेस हमारी लेंथ रेडी होगी। इसमें हम 3 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम जैकेट की चौड़ाई लेंगे। पहले हमें निशान लगाना है चेस्ट के फोर्थ पार्ट का, जो कि 8 इंचेस है। इसमें हमें 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। हम जो ये जैकेट बनाएंगे उसे थोड़ा लूज ही बनाएंगे मेजरमेंट से। आप अपने अकॉर्डिंग इसे लूज़ बना सकते हैं। अब हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि 11 इंचेस है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर का निशान लगाना है, जो कि 7.5 इंचेस है, क्योंकि हम बैक नेक बोट नेक बनाएंगे। और यहाँ से भी 7.5 इंचेस। आर्म होल की लेंथ हमें लेनी है 7 इंचेस। आर्म होल की गोलाई हम 1.5 इंचेस पे करेंगे। आर्म होल हम हल्का सा लूज ही करेंगे क्योंकि ये जैकेट है। आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब इसी तरह से हमें लाइनिंग की कटिंग भी करनी है। देखिए, मैंने लाइनिंग की कटिंग कर ली है। अब हमें इसका एक एक पार्ट लेना है, एक लाइनिंग का और एक मेन फैब्रिक का। लाइनिंग के ऊपर हमें मेन फैब्रिक को इस तरह से रखना है। और अब हमें नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है, जो कि 4 इंचेस है। और नेक को हम 2 इंचेस तक ही डीप बनाएंगे। हमें यह नेक ज़्यादा डीप नहीं बनाना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक की राइट साइड लाइनिंग को स्टिच करेंगे। इसे हमें पूरा स्टिच करना है, यहाँ से और पूरा यहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे। नीचे वाली साइड से इसे हमें स्टिच नहीं करना है। देखिए, मैंने पूरे को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम कट लगाएंगे। गोलाई में ही हमें ये कट लगाने हैं। अब हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे और इस तरह से हमारी राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसको सीधा करने के बाद हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए, और नीचे वाली साइड भी हम स्टिच कर देंगे। दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। देखिए, मैंने नीचे भी सिलाई लगा दी है और साइड में किनारे पर भी सिलाई लगा दी है। अब इस पार्ट को मोड़ते हुए हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। ये हमारी जैकेट का बैक वाला पार्ट है। शोल्डर से नीचे की तरफ हमें 11 इंचेस का निशान लगाना है, और यहाँ से 3.5 इंचेस, यहाँ से भी 3.5 इंचेस। इस निशान को सीधा मिलाएंगे। अब दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह से निशान लगाना है। इसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे। फैब्रिक को इस तरह से मोड़ना है और हमें प्लेट डालनी है। ऊपर की तरफ हम नोक बनाएंगे और नीचे इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी आधा इंच। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से प्लेट डालेंगे।
बैक पार्ट पर हमने प्लेट्स डाल ली हैं और ये है राइट साइड। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट का मेन फैब्रिक लेना है और साथ ही हमें लेनी है लाइनिंग। इन दोनों को हम इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ से हमें 3.5 इंचेस का निशान लगाना है और नीचे की तरफ हम लगाएंगे 3 इंचेस का निशान। सभी निशानों को अच्छे से मिलाकर यहाँ से कट करेंगे। और इस तरह से हम जैकेट के फ्रंट पार्ट को 2 पीसेस में कट करेंगे। मेन फैब्रिक की ऊपर की तरफ रॉन्ग साइड है और यहाँ से इसको हमें स्टिच करना है। यहाँ से पूरे पे सिलाई लगाएंगे। नीचे वाली साइड अबे हमें सिलाई नहीं लगानी है। देखिए मैंने पूरे पर सिलाई लगा ली है। अब गोलाई में हम कट लगाएंगे। यहाँ भी हमें कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसको हम राइट साइड टर्न करेंगे। अब इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी राइट साइड टर्न करना है और इस पर दोनों पर हमें किनारे पर सिलाई लगानी है। देखिए मैंने अच्छी फिनिशिंग के लिए किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब ऊपर से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। 14.5 इंचीज लेंथ का निशान लगाना है। आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे क्योंकि बाद में हम शोल्डर स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट्स पर लेंथ का निशान लगाने के बाद इसे रॉन्ग साइड हमें टर्न करना है और लगानी है इसके ऊपर सिलाई। देखिए मैंने दोनों पार्ट्स पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें बैक पार्ट लेना है। अब फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे शोल्डर को अच्छे से मिलाते हुए। फिटिंग का निशान लगाएंगे। सेंटर में निशान लगाकर हमें फिटिंग का निशान लगाना है। देखिए मैंने जो हमारा मेजरमेंट है उससे मैंने ये 1 इंच लूज बनाई है। कमर को भी मैं 1 इंच लूज ही बनाऊंगी। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए मैंने जैकेट की फिटिंग कर ली है। उसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है उस पर हम लेंथ का निशान लगाएंगे और अब इसे हमें मोड़ना है रॉन्ग साइड। ये जो हमारा फिटिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इसके नीचे दबाएंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसे अलग भी रख सकते हैं ताकि आप बाद में इस जैकेट को लूज़ कर सके आसानी से। दूसरी तरफ जो फिटिंग का फैब्रिक है उसे भी ऐसे ही दबाएंगे। इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए हमने नीचे से इसको मोड़ लिया है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ से हम लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे और बैक पार्ट पर लगाते हुए वापस हमें फ्रंट पार्ट पे इस लेस को लगाना है। पहले हम बाहर वाली साइड से लेस को स्टिच करेंगे। लेस को इस तरह से हमें टर्न करना है और बाकी लेस को भी हमें इसी तरीके से स्टिच करना है।
उसके बाद हम इसके साथ एक और लेस लगाएंगे। ये मैंने गोटा वर्क की लेस ली है, ये आपको इजीली मिल जाएगी लेस वाली शॉप पर। इसको हमें लेस के नीचे दबाना है। अब यहाँ से हमें लेस को कुछ इस तरीके से मोड़ के निशान लगाना है और इस निशान तक ही हमें पहले सिलाई लगानी है। और अब हमें गोटा वर्क की लेस को इस तरह से टर्न करना है और दूसरी लेस को अच्छे से स्टिच करेंगे। यहाँ से भी इसी तरह से पहले निशान लगाकर स्टिच करना है और फिर हम सीधा लेस को लगा लेंगे। देखिए हमने पूरे पे लेस लगा ली है। अब फ्रंट वाले पार्ट्स को हमें इस तरह से टर्न करना है और उसके बाद हमें शोल्डर पर सिलाई लगानी है। देखिए मैंने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है और हमारी जैकेट भी बन के रेडी है। इसके बाद हमें जैकेट पर टासल्स लगाने हैं, जिसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। टासल्स बनाने की वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल कटारिया सिस्टर्स फैशन डायरी पर अपलोड की हुई है, आप इस वीडियो को ज़रूर चेक करें। देखिए हमारी पूरी जैकेट बनके एकदम रेडी है। पूरा बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। मैंने ये फुल ड्रेस बनाई है, जिसकी वीडियो हम दूसरे चैनल पर अपलोड करेंगे, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।